Good afternoon, students. In this lecture, we'll start with a new topic, and that is given on page number 120 in your textbook. The topic's name is checking for equivalence of two fractions. Now, first and foremost things which come into our mind is what is equivalence? Equivalence. Equi मतलब मैंने पहले ही बताया था equal. Okay, equivalent. फ्रैक्शंस. नाउ दो फ्रैक्शंस मान लो आपको कोई दिया हो तो वो दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे. ठीक है, हाउ विल डू इट दैट इज गिवन इन द बुक, बट बिफोर दैट इवन आई विल टेल यू दैट हाउ वी कैन डू इट. से फॉर एग्जाम्पल नहीं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड
ठीक है, पहला हाफ ईयर उसको आपको सर्कल करना है, बाकी को सर्कल नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखो तो दीज एक्सरसाइज वी कैन डू इट इन जूम क्लास। व्हाई? बिकॉज हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, टीचर को कोऑर्डिनेशन चाहिए स्टूडेंट के साथ और वो जूम क्लास में पॉसिबल है। सो एक बार मैं वहां पे आपको ये पूरी चीज एक्सप्लेन भी करूंगी अगेन और फिर हम लोग ये एक्सरसाइज के ऊपर जंप करें, ठीक है। सो वी आर कीपिंग दिस एक्सरसाइज पेंडिंग। व्हाई? बिकॉज वी नीड दिस इन द जूम क्लास। जस्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज चेक whether the following fractions आर इक्विवेलेंट और नॉट, वो हम लोग यहां पे करेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। बाकी अदर क्वेश्चन विल बी डन इन द जूम क्लास। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है दैट आई गिव इट टू यू बट नॉट इन दिस लेक्चर, इन द अनदर लेक्चर, ओके। सो राइट नाउ आई एम कीपिंग अप अप टू हियर, जस्ट अंडरस्टैंड दी वर्डिंग्स व्हिच आर रिटन ओवर हियर एंड यू विल गेट इट एवरीथिंग, ओके। टेक केयर एवरीवन।